नमस्कार। चिराग पासवान इस बार सबसे बड़ा दांव खेल रहे हैं। उनके करियर का ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यहां से अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो हो सकता है बिहार की सियासत में एक बहुत बड़े चेहरे बनकर उभर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी हार हो जाती है तो चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ये जानने से पहले कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, हम आपको उनके बारे में कुछ अहम जानकारी देना चाहते हैं। जैसे चिराग पासवान के पास कितनी गाड़ी है, वो कितनी कंपनियों के मालिक हैं, वो बॉलीवुड को छोड़कर राजनीति में क्यों आए, बॉलीवुड में उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिससे उन्हें वापस राजनीति में, यानी जो उनकी विरासत थी उसे संभालने को वो मजबूर हो गए। एक एक कहानी आज हम आपको बहुत विस्तार से बताने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा। सबसे पहले, कुछ सालों पहले चिराग पासवान से एक सवाल पूछा गया कि आपने अपने करियर की शुरुआत, चिराग पासवान ने बीटेक इंजीनियरिंग की है, बीटेक से पढ़ाई की है, लेकिन उसके बाद वो बॉलीवुड में चले गए थे, वो ना तो राजनीति में गए और ना ही उन्होंने बॉलीवुड में ही अपना करियर आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बात पर जब उनसे कुछ मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आपने बॉलीवुड को क्यों छोड़ दिया, आप राजनीति में क्यों नहीं गए, तब चिराग पासवान का जवाब सबको हैरान करने वाला था। चिराग पासवान ने तब कहा कि राजनीति उनके खून में है और बॉलीवुड उनके सपनों में। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए बॉलीवुड में आए और जब उन्हें जरूरत पड़ेगी वो राजनीति में चले जाएंगे, और हुआ भी यही। चिराग पासवान इस वक्त जमुई से सांसद हैं। साल 2019 में जमुई लोकसभा से उन्होंने चुनाव जीता। उससे पहले पहली बार साल 2014 में चिराग पासवान ने जमुई से चुनाव जीता था, यानी ये दूसरा टर्म है उनका सांसद बनने का, और एक ही लोकसभा सीट वो है जमुई लोकसभा सीट। इसके साथ साथ चिराग पासवान, आप सबको पता है कि 2013 के आखिरी दौर में, यानी दिसंबर के आसपास, चिराग पासवान की राजनीतिक एंट्री हुई थी लोक जनशक्ति पार्टी, जो उनके पिता यानी रामविलास पासवान की पार्टी थी। आधिकारिक तौर पर दिसंबर, जो मेरे पास आंकड़े हैं, दिसंबर 2013 में चिराग पासवान शामिल हो गए LJP में, और साल 2014 में NDA के साथ मिलकर उनकी पार्टी, रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ा और जमुई लोकसभा सीट मिला चिराग पासवान को लड़ने के लिए। आपको यह भी बता दें कि जिस वक्त चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, उस वक्त उनके प्रतिद्वंदी थे उदय नारायण चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और JDU में उनका कद बहुत पड़ा था, नीतीश कुमार के बहुत खास नेता थे। लेकिन चिराग पासवान ने चुनावी नतीजों में उदय नारायण चौधरी को शिकस्त दे दी और जमुई लोकसभा सीट से वो सांसद बन गए। फिर यही हुआ 2019 में। लेकिन 2019 में भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं था। NDA में रहते हुए सीटों के बंटवारे पर बहुत घमासान चढ़ गया था, क्योंकि 2017 में RJD को छोड़कर नीतीश कुमार वापस NDA में आ गए थे, और उस वक्त भी लोजपा को सीट बंटवारे में दरकिनार किया जा रहा था। 18 दिसंबर 2018 को चिराग पासवान का एक ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि अगर सीट बंटवारे पर एक हफ्ते के भीतर कोई फैसला नहीं होता है तो उनकी पार्टी अकेले चल पड़ेगी, और इसी ट्वीट के बाद चिराग पासवान और उनकी पार्टी को वैल्यू देना शुरू किया गया। नीतीश कुमार की पार्टी JDU और BJP ने कम आंकना खत्म कर दिया। उसके बाद चिराग पासवान दोबारा 2019 में जमुई से चुनाव लड़ने उतरे और वो जीत गए। साल 2011 में चिराग पासवान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मिले ना मिले हम, और ये फिल्म तकरीबन 13 करोड़ के बजट की थी और बुरी तरह पिट गई थी। ये फिल्म सिर्फ 97 लाख बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन था। इस फिल्म में उनके अपोजिट थी कंगना रनौत, और आपको भी पता है कंगना रनौत का करियर तो ऊपर चला गया, लेकिन चिराग पासवान का करियर धड़ाम से गिर गया। इसके बाद चिराग पासवान से सवाल पूछे जाते रहे कि कहीं उन्होंने कोई गलत करियर तो नहीं चुन लिया, लेकिन चिराग पासवान हर बार सवाल पूछे जाने पर यही जवाब देते रहे कि वो सपनों को पूरा कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा करके ही दम लेंगे। और इसके बाद 2013 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि चिराग का मोह भंग हो गया बॉलीवुड से और पूरी तरह वो राजनीति में आ गए। साल 2019 में ही उन्हें सत्ता मिल गई लोक जनशक्ति पार्टी की। लोक जनशक्ति पार्टी की सत्ता मिलना आसान नहीं था, क्योंकि पशुपति कुमार पारस थे, रामविलास पासवान के बड़े भाई भी इसमें थे, इसी पार्टी में थे, खुद उनके चचेरे भाई थे जो दावेदार थे, कई बड़े लोग थे, बड़े चेहरे थे,
लेकिन उन तमाम चेहरों को पीछे छोड़ते हुए रामविलास पासवान ने भरोसा जताया अपने चिराग यानी चिराग पासवान पर, और चिराग पासवान ने इसे बखूबी साबित किया 2019 के चुनाव में, चुनाव से ठीक पहले की बात है। अब मैं आता हूं कि कितनी कंपनियां हैं, कितने करोड़ के मालिक हैं चिराग पासवान, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चिराग पासवान ने जो अभी अपनी एफिडेविट दाखिल किए, हलफनामा दिया है चुनाव आयोग के पास या अपने शपथ पत्र में, उसके मुताबिक उनके पास तकरीबन 2 करोड़ रुपए हैं, 1,84,00,000 रुपए हैं उनके पास, और 90,00,000 का उनका बंगला ही है सिर्फ, यानी 90,00,000 के बंगले में चिराग पासवान इस वक्त रह रहे हैं और उनके पास 1,84,00,000 की कुल संपत्ति है। वो 6 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। चिराग पासवान को आप सिर्फ एक नेता के तौर पर आंकने की भूल मत करिएगा। कौन कौन सी कंपनियां मैं आपको पढ़कर और कितने का शेयर है पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। संकट मोचन मर्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ये 29 जुलाई 2006 में बनी, और इसका काम क्या होता था ये आप देखिए, इसका काम होता था ट्रेडिंग बिजनेस करना। इसका शेयर है 3,34,000 का, शेयर की कीमत है 33,40,000 रुपये। इसके साथ साथ दूसरी कंपनी है चिराग पासवान की, एक्वा वेंट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 19 मई 2010 में बनी, और इसका भी काम था ट्रेडिंग बिजनेस का। इसका शेयर था 5,000 रुपये का, शेयर की कुल कीमत थी 50,000 रुपये। तीसरी कंपनी थी चिराग पासवान की, वो है स्ट्रॉन्ग पिलर प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम था रियल इस्टेट और रेटिंग बिजनेस, इसकी शेयर की कुल कीमत थी 50,000 रुपये और एक शेयर की कीमत थी 5,000 रुपये। चौथी जो कंपनी है चिराग पासवान की वो है चिराग रोजगार प्राइवेट लिमिटेड, और इसका काम है बिजनेस सर्विस देना, शेयर की कीमत है 5,100 रुपये, शेयर की कुल शेयर की कीमत है 5,100 रुपये। डिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम है होलसेल बिजनेस करना, इसकी शेयर की कीमत भी तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास है। और CMP स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1 जून 2017 को बनी, बिजनेस सर्विस देना, और इसकी भी शेयर करीब 50,000 रुपये के आसपास है। इन 6 कंपनियों के मालिक हैं। मैं यहाँ फिर आपको जिक्र करना चाहूँगा कि चिराग पासवान ने नौकरियाँ देने का वायदा किया है अपने घोषणा पत्र में, अगर आपको याद हो तो। ये जो कंपनियां हैं ये सारी चिराग पासवान की कंपनियां हैं। चिराग पासवान न सिर्फ एक अभिनेता, न सिर्फ एक राजनेता होने के साथ साथ वो इन कंपनियों के मालिक भी हैं, और इन्हीं के आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में नौकरियां पैदा करेंगे बिहार में। चिराग पासवान ने अपने कई इंटरव्यू में सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार, अगर आपको याद हो, नीतीश कुमार ने कुछ हफ्ते पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आना चाहता क्योंकि यहाँ समंदर नहीं है। नीतीश कुमार के कहने का मतलब ये था कि रॉ मटेरियल की उपलब्धता या फिर मुंबई और दिल्ली जैसे हालात नहीं हैं, इसी वजह से कोई बिहार में इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। चिराग पासवान घूम घूम कर अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लोगों को वो ऑडियो सुना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपने इसी दिन के लिए नीतीश कुमार को वोट किया था। चिराग पासवान अपना विज़न बता रहे हैं कि अगर मेरी सरकार आई या मुझे मौका मिला किसी सरकार में काम करने का, तो मेरा विज़न ये होगा कि मैं कैसे नौकरियां दूंगा लोगों को। वो एक एक बात समझा रहे हैं। वैसे चिराग और तेजस्वी बहुत अच्छा समझा रहे हैं लोगों को, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझा रहे हैं कि कैसे नौकरियों का सृजन करेंगे वो बिहार में। तेजस्वी ने 1,00,000 देने का वादा किया, और चिराग पासवान ने भी इसी आसपास नौकरियां देने का, तकरीबन 10 से 20 लाख नौकरियां देने का वादा चिराग पासवान ने भी किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद ये था कि चिराग पासवान के बारे में हम आपको ये जानकारी दे सकें, क्योंकि बिहार में वो एक यूथ आइकॉन के तौर पर उभर रहे हैं, और हमने जो तस्वीरें देखी, जो लहर देखी उनकी रैलियों में, जिस तरह से लोग उनके लिए उमड़ रहे हैं, जिस तरह से सिंपैथी उनके लिए काम कर रही है, वो चिराग पासवान को शायद एक गेम चेंजर साबित कर सकती है।